नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। हमेशा ये डायग्राम आपके पास हैंडी रहेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। हर एक के बीच में 45 डिग्री का है, और नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर पूरा जाएंगे तो 180 डिग्री। ऐसे याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हर एक ये बीच का एंगल को 45 इंटू 8 करेंगे तो टोटल हो गया 360। तो यहाँ पर डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव बोला है, नॉर्थ इस नॉर्थ को बोल दिया है वेस्ट। तो नया डायग्राम को करते हैं, नॉर्थ को बोला गया वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को बोला गया है साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर था आपका नॉर्थ वेस्ट, इसको बोला जा रहा है साउथ वेस्ट, एंड साउथ वेस्ट को बोला गया जा रहा है साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट यहाँ था तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। तो अगर ये साउथ तो ऑब्वियसली ये साउथ हो गया आपका, ये अगर आपको ईस्ट है तो यहाँ पर ही ईस्ट होगा। सो वेस्ट ईस्ट साउथ, और ये आपका हो गया नया डायग्राम में, सॉरी ये आपका हो गया नॉर्थ और ये आपका हो गया ईस्ट। तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो नए डायग्राम के मुताबिक ये आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, ये ऐसे शिफ्टिंग होगा। ये ब्लड रिलेशन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी बिकॉज इट सीज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माय फादर। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो चलिए पूरा ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। फादर बोला है, फादर्स वाइफ इज मदर, यहाँ सन का रिश्ता आया है और वहाँ पर में घुस रहा है विकास। फिर सिस्टर जो कि एक लेडी है, और यहाँ से हो गया इसका डॉटर। अगर रिलेशनशिप पूछे तो ऑब्वियसली वो लड़की इसकी बहन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो ये दो स्टेटमेंट दिया है, ऑल शॉर्ट्स आर फैट एंड सम शॉर्ट आर फेयर। ठीक है, आपको और कंक्लूजन दिया है, सम फेयर आर फैट एंड सम फैट आर फेयर। तो इनमें से कौन सा कंक्लूजन से किस में जा सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर शॉर्ट, ऑल शॉर्ट, ऑल मतलब ऐसे डायग्राम में जा सकते हैं, ऑल शॉर्ट आर फैट, तो शॉर्ट और फैट का ये डायग्राम हो गया, और सम फेयर आर शॉर्ट तो मतलब ये डायग्राम के अंदर अगर फेयर का घुसेगा तो ये दोनों का आधा आधा ऐसे ले लेगा। तो ऑब्वियसली बोथ द कंक्लूजन दोनों ही फॉलो कर रहा है, सी हो गया इसका आंसर। 23 नंबर में चलते हैं। इस बार पूछा गया है एक लैंग्वेज में टिम्बर को अगर लिखा जा रहा है ऐसे, तो इसमें देखिए एक हम लोगों ने किया था रिवर्स ऑर्डर। इस बार क्या है, टी के बाद क्या आता है, यू, आई के बाद आता है जे के। नीचे नीचे लिखूंगा टिम्बर और यू के पी एफ जे एक्स, टी से यू प्लस वन, आई से के प्लस टू, ये प्लस थ्री, बी से एफ हो गया प्लस फोर, ये प्लस फाइव, ये प्लस सिक्स। तो ऑब्वियसली अगर हम लोगों को ट्रेल बोला जाएगा तो टी से प्लस वन होगा तो यू से स्टार्ट होगा, आर्क से प्लस टू हो जाएगा तो ये टी हो जाएगा, यू टी, तो यू टी कौन सा है, दो में ही हो रहा है, तो पूरा ना करते हुए भी हम लोग का आंसर आ गया बी। नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए, एक कोड में टिन को बोला गया है 47, टैक्स को बोला गया 49, तो टॉप्स को क्या बोला जाएगा। तो टिन ये सब में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है तो इसका मतलब इसका पोजीशन, टी हमने बताया था ई जे ओ टी वाई फार्मूला, टी का पोजीशनिंग वैल्यू है 20, आई का पोजीशनिंग वैल्यू है 9 और इसका 14। सो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर हो गया 43 और उसके साथ प्लस 4 करेंगे तो 47। टैक्स में अगर आए 20 प्लस 1 प्लस 24 तो आ गया 45, इसके साथ प्लस 4 कीजिए तो आ गया आपका 49। तो अभी टॉप्स में भी आपको वैसे ही करना है,
20 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 19 तो ये आपको दे देता है 70 प्लस 4 तो आंसर आएगा 74।